अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, आज हमने निसाब चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर का नाम था निसाब, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। हमने 6 कंप्लीट कर लिया था, निसाब हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट चैप्टर करिकुलम, यानी कि निसाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करिकुलम। तो बेटा ओपन पेज नंबर, ये हमने रीडिंग जो आज करनी है, पेज नंबर हमारा 47 और 48 है, ठीक है। पहले पेज नंबर 47 पे देखते हैं कि आज हमने किसके बारे में रीडिंग करनी है। निसाब के बारे में बात हो रही थी। निसाब, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि निसाब जो है किससे कहते हैं, यानी कि हर काम को शुरू करने से पहले कोई ना कोई प्लानिंग की जाती है, कोई ना कोई इसकी मनसूबाबंदी की जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें खेल के मैदान में कोई टीम खेलने के लिए जा रही है और उसको उससे पहले एक प्लानिंग करनी होगी, अदरवाइज़ वो खेल नहीं सकेंगे, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले इनको देखना होगा कि खेल के मैदान में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो खेल के लिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो देखेंगे खेल का दौरानिया कितना होगा, यानी कि कितना उसका शुरू कब होगा, खेल ख़त्म कब होगा, और कौन कौन सा खिलाड़ी किस किस पोजिशन पर खेलेगा। ये सारी बातें पहले देखी जाएंगी, फिर इसकी प्लानिंग की जाएगी, डिसाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद टीम जो है खेल के मैदान में जाती है और कामयाबी हासिल करती है और अच्छे तरीके से खेलती है। अगर ये सारे काम ना किए जाएं, किसी को पता ही ना हो किस पोजीशन पे खड़े होना है, किसी खिलाड़ी को ये नहीं पता होगा कि उसने क्या करना है, और ना ही ये पता होगा कितने टाइम तक हमने ये खेलना है। टाइम का हमें पता ही नहीं कि किस टाइम तक खेल ख़त्म होना है, तो क्या होगा, कामयाबी कभी भी हासिल नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर अच्छे तरीके से उसकी प्लानिंग की जाएगी, मनसूबाबंदी की जाएगी, तो वो टीम अच्छे तरीके से खेल सकेगी। इसी तरह से तालीम को हम देखते हैं कि तालीम में निसाब की क्या अहमियत है, यानी कि तालीम के जो तलबा तक मुंतकिल करने के लिए निसाब तैयार किया जाता है, और उस निसाब के हवाले से क्या किया जाता है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी तलबा के, कौन सी जमात के तालिब इल्म को क्या पढ़ाया जाएगा, यानी कि हर क्लास में अलग अलग जो है, हर स्कूल में हर क्लास होती है 1 से लेकर 10th क्लास तक, ठीक है। तो हर क्लास के तलबा जो है उनको क्या पढ़ाया जाएगा, किस जमात में क्या पढ़ाया जाएगा, और दूसरा ये कि पढ़ाने का दौरानिया कितना होगा, यानी कि जो तालीम जो हमने तलबा तक पहुंचानी है, एक साल का सब फ़र्ज़ करें कि उसमें टाइम पीरियड है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर लिया जाता है कि उसमें हमने जो इस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, या फिर पूरे साल के तौर पे निसाब तैयार कर लिया जाता है कि इतने अरसे में हमने इस चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि पढ़ाने के दौरानिया कितना होगा ये देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि पढ़ाने का तरीका कार क्या होगा, यानी कि किस तरीके से जो है तालिब इल्मों तक इल्म जो है उसको मुंतकिल किया जाएगा। फिर ये देखा जाता है कि कौन कौन सी जहनी सलाहियतें और महारतें जो हैं वो तालीम के ज़रिए से तलबा में उजागर की जा सकती हैं। तो ये सारी बातें सोच समझ के एक निसाब जो है तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, करिकुलम या निसाब, ठीक है। तो ये सारी बातें निसाब के ज़मरे में आ जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि निसाब की तारीफ क्या है, यानी कि निसाब की तारीफ, हर चीज़ की डेफिनेशन होती है ना, तो इसी तरह निसाब की भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। तो इसमें अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि निसाब जो है किस तरीके से, हमने काफ़ी बातों के ज़रिए से देखा कि निसाब कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो निसाब इन तमाम सरगर्मियों, तजर्बात, महारतों, रुझानात, अलूम और तहकीकात पर मुश्तमिल है जो मदरसे के ज़ेर अहतमाम बच्चों की ज़हनी, इखलाकी, रूहानी, माशरती किरदार और सीरत की तामीर करते हैं, यानी कि जो है निसाब कौन कौन सी सरगर्मियों, तजर्बात और महारत और रुझानात और तहकीकात पर मुश्तमिल होता है, और कौन कौन सी हैं कि जो मदरसा जो है उसके अहतमाम करता है बच्चों की, उसमें कौन कौन सी उसके पहलुओं की तरबियत होती है बच्चों के इखलाकी, जहनी, समाजी, रूहानी, माशरती किरदार और सीरत की तामीर, ठीक है, इनकी जो है तामीर होती है, इनकी हमा पहलू नशोनुमा होती है। और निसाब के फिर देखते हैं कि अज्जा कितने हैं, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, निसाब के अज्जा, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, निसाब में वो तमाम सरगर्मियाँ और तजर्बात शामिल हैं जो मतलूबा मकासद के हसूल और तलबा की तामीर और तरबियत के लिए
स्कूल के ज़ेरे एहतमाम स्कूल के अंदर या बाहर किसी भी जगह वकूफ़ पज़ीर हों। निसाब की इस वसत के हवाले से बाहरीन तालीम ने निसाब के दर्ज ज़ेल चार उसके जो हैं इज़ाई तरकीबी बयान किए हैं, यानी कि निसाब के अज्जा जो हैं वो चार हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, नंबर वन में आ जाएगा मकासिद निसाब, यानी कि निसाब के क्या मकासिद है, क्यों इसको निसाब को बनाया जाता है। फिर है नंबर दो पे तदरीसी मवाद, यानी कि कौन सा मटेरियल जो है तालीम के ज़रिए से इल्म के ज़रिए से बच्चों में मुंतकिल करना है, तो वो है तदरीसी मवाद। नंबर तीन तदरीसी हिकमत अमली, यानी कि किस हिकमत के ज़रिए से किस तरीके प्लानिंग के ज़रिए से तालीम को आगे पहुंचाना है, तदरीसी हिकमत अमली। नंबर फोर पे आ जाएगा जायज़ा। इन तमाम बातों के बाद मकासिद निसाब, ठीक है, तदरीसी मवाद, तदरीसी हिकमत अमली, इन सब बातों को अमल करते हुए आगे जब पहुंचेंगे तो क्या आएगा? जायज़ा। जायज़ा क्या होगा कि बच्चों के इम्तहानात के ज़रिए से ये पता चलता है कि बच्चे में किस कदर इल्म मुंतकिल हो चुका है, किस कदर उसकी सलाहियत जो है बढ़ चुकी है, किस कदर उसकी सलाहियतें उजागर होना शुरू हो गई हैं, तो ये जायज़े के ज़रिए से ही पता चलता है। जायज़ा क्या होता है? इम्तहानात। ठीक है, मकासिद निसाब क्या है कि निसाब के मकासिद, तो सबसे पहला जो हमारा है मकासिद निसाब, इस टॉपिक को हम देखते हैं कि ये क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, जिस तरह एक इमारत, फ़र्ज़ करेंगे हमने कोई इमारत तैयार करवानी है तो घर तैयार करवाना है, ठीक है, तो उसके ज़रिए पहले उससे क्या होगा, ये तो नहीं होगा कि फ़ौरन जी मटेरियल आ गया, सीमेंट आ गया, ईंटें आ गई, जो है मज़दूर आ गए, बनाने वाले आ गए, बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर आ गए और काम शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि उससे पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है जिसमें ये पूरा एरिया बनाया जाता है घर का, उसमें जहाँ किस जगह पे क्या कमरे बनने हैं, क्या चीज़ें बननी हैं, कहाँ सहन बनना है, कहाँ कमरे बनने हैं, कहाँ किचन बनना है, कहाँ स्टोर रूम बनना है, सिटिंग रूम बनना है, यानी कि घर के अंदर जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ बननी है उनका एक नक्शा तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद इमारत जो है तामीर शुरू होती है इमारत की। तो इसी तरह से निसाब की इमारत भी मकासिद के वाज़ेह तय्यन के बग़ैर तामीर नहीं हो सकती, यानी कि जिस तरह एक इमारत को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाना ज़रूरी होता है, इसी तरह से तालीम को आगे मुंतकिल करने के लिए भी मकासिद के वाज़ेह तय्यन ज़रूरी होते हैं। अगर मेहनत, ज़हानत और बसीरत से काबिले अमल मकासिद की तैयारी हो जाए तो निसाब के बाकी मराहिल कामयाबी से तय हो जाते हैं, यानी कि अगर देखा जाए कि मेहनत है, ज़हानत और बसीरत, ठीक है, इनसे काबिले अमल मकासिद जो है वो तैयारी हो गई है तो निसाब के जो बाकी मराहिल हैं वो भी कामयाबी से तय पा जाते हैं। तालीमी मकासिद का तय्यन हुकूमत अपनी कौमी पॉलिसियों के ज़रिए करती है, जिस तरह कि आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि किस 9th क्लास में पढ़ा था कि तालीमी पॉलिसियाँ बनाई गई थी, ठीक है, 1947 में पहली तालीमी पॉलिसी बनी थी, फिर उसके बाद उसी तालीमी पॉलिसी के कुछ जो बुनियादी असूल थे उसमें बाकी जितनी भी तालीमी पॉलिसीज़ बनी उनमें ऐड करते गए, ठीक है, नई तब्दीलियों के साथ उन्हीं को ऐड करते गए, उन्हीं मकासिद को ऐड करते गए कौमी तालीमी पॉलिसियों को। तो जिस किस्म का माशरा और इसकी इकदार होंगी उस किस्म के मकासिद तालीम होंगे। अब माशरा जो है, फ़र्ज़ करें इस्लामी माशरा है, हिंदू माशरा है या ईसाई माशरा है, तो उन सब के जो है अपनी अपनी इकदार होती हैं, तो इसी तरह से जिस किस्म का भी माशरा और इसकी इकदार होंगी और इस किस्म के मकासिद तालीम भी होंगे, यानी कि उसी इकदार के मुताबिक जो माशरा है वो जिस किस्म का है, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, जिस मज़हब की रसूमात उसमें आ रही हैं, तहजीब व सकाफ़त आ रहा है, नज़रिया हयात उनका सबका अलग अलग होता है ना, इस्लामी नज़रिया हयात अलग है, हिंदुओं का अलग है, ईसाइयों का अलग है, इसी तरह से हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो माशरे हैं उनके अपने अपने निज़ाम तालीम हैं, उनके अपने अपने जो है तहजीब व सकाफ़त है, तो उन सब को यानी कि उन सब की इसकी इकदार जो है जिस माशरे की जो भी इकदार होंगी इस किस्म के मकासिद तालीम उसके होंगे, ठीक है, और उन्हीं के पेश नज़र निसाब साज़ी की जाएगी, यानी कि जिस किस्म का माशरा होगा उसी के हिसाब से ही उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके पेश नज़र निसाब साज़ी की जाएगी, यानी कि तालीम को आगे पहुंचाने का जो अमल है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा कि माशरा कौन सा है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, इसके क्या इकदार हैं,
उनको मद्देनज़र रखते हुए ही निसाब साजी की जाएगी, निसाब यानी कि प्लानिंग, मनसूबाबंदी। और मसलन एक सनती माशरे और ज़रई माशरे के मकासद तालीम में वाजिया फ़र्क होता है। अब यहाँ पे हम पेशा वाराना तौर पे देखते हैं कि पेशों के लिहाज से जैसे सनती माशरा आ गया, ठीक है, सनती माशरा कारखाने, ठीक है, जहाँ पे कारखाने में मसनूआत तैयार की जाती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मसनूआत तैयार की जाती हैं कारखानों में। तो सनती माशरा और ज़रई माशरा, ज़रई माशरा क्या आ गया, किसान, ठीक है, देहात का जो यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं खेतों में, तो ये ज़रई माशरा आ गया। अब दोनों माशरे अलग अलग हैं तो इनके मकासद तालीम में वाजिया फ़र्क है, यानी कि एक जगह पे मशीनरी के ज़रिए से जो किस तरह से उनसे जो है बेहतर चीज़ें तैयार की जा सकती हैं उस लिहाज से तालीम मकासद होंगे, तो दूसरी तरफ जो है खेतों से फसलें उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए, तो इसी तरह से जो है माशरे में वाजिया दोनों में फ़र्क आ गया है। किसी सनती माशरे की ज़रूरियात के तहत तैयार शुदा निसाब ज़रई माशरे के लिए सूदमंद साबित नहीं होगा। अब फ़र्ज़ करें कि कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए जो निसाब तैयार किया जा रहा है, जो उससे मुताबिक रखती हुई तालीम जो दी जा रही है इदारों में, तो अगर वो मशीनरियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनको खेती बाड़ी के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो ज़रात के लिए तो वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ज़रात तो है कुदरती तौर पर फसलें उगाना और कहाँ पर मसनूआत तैयार करना फैक्ट्रीज़ में, तो ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर एक की तालीम दूसरे को दी जाए तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। इसी तरह से ज़रई माशरे का निसाब जो है सनती माशरे के लिए बेकार होगा। अगर फ़र्ज़ करें कि ज़रई माशरे की तालीम दी जा रही है, ठीक है, ज़रात के मुतलिक तालीम दी जा रही है और काम करना है उन्होंने कारखानों में जाकर, तो क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? नहीं, क्योंकि ज़रात के मुतलिक जो तालीम दी जा रही है वो तो किसानों के लिए है, वो खेतों में फसलें पैदावार हासिल करने के लिए तालीम है, ज़रई तालीम, लेकिन वो कारखानों में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं, कोई अहमियत नहीं है, तो इसके लिए वो बेकार होंगी। बाज़ औक़ात हालात भी तालीमी मकासद को मुतासिर करते हैं, यानी कि अक्सर औक़ात देखा गया है कि हालात जो हैं वो भी तालीमी मकासद के लिए बहुत उनके तालीमी मकासद पर असरानंदाज होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि निसाब साजी के वक्त इस बात को पेश नज़र रखा जाए, यानी कि इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी निसाब तैयार किया जाए तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि किस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को क्या तालीम देनी है और उनका निसाब क्या होगा, उसी के मुताबिक आगे तालीम दी जाए, वही निसाब साजी करते वक्त इस बात को मद्देनज़र रखा जाए। मकासिद को पेश नज़र रख कर दीगर अज़ा यानी कि तदरीसी मवाद, असातज़ा, मदरसे की इमारत, कुतुब की फराहमी और तजर्बा गाहों के सामान का इंतज़ाम किया जाता है। अब मकासिद ये हैं, मकासिद क्या है, निसाब बनाने के जो मकासिद हैं, ठीक है, उनको मद्देनज़र रखा जाता है और फिर उसके बाद जो है तदरीसी मवाद यानी कि उनके उनसे ताल्लुक़ रखने वाली किताबें, उन्हीं से मुतल्लिक उनकी तालीम देने वाले असातज़ा और मदरसे की इमारत, कुतुब की फराहमी और तजर्बा गाहों के सामान का इंतज़ाम किया जाता है। तदरीसी मवाद की हैसियत एक शाहरा की है जिस पर तालिब इल्म चलकर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, यानी कि तदरीसी जो मवाद है वो अच्छा होगा तो एक ऐसी सड़क है कि जो कि बहुत अच्छी बनी हुई है, शाहरा बहुत बड़ी सड़क को कहते हैं, ठीक है, और उसके जो है इस पर तालिब इल्म चलकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है, यानी कि ये तालीम हासिल करने के बाद इन तालिब इल्मों को अपनी ज़िंदगी का एक मकसद मिल जाता है। तालीमी मकासद को मद्देनज़र रख कर मजामीन या तजर्बात का चुनाव किया जाता है कि किस जमात में कौन से मजामीन पढ़ाए जाने चाहिए या किन तलबा को किन तजर्बात से गुजरना चाहिए, और फिर मजामीन के अलहदा मकासद का तयन किया जाता है। तालीम में असल शय मकासद होते हैं और तदरीस महज मकासद के हसूल की एक कोशिश है। वक्त गुजरने के साथ साथ माशरे में तब्दीलियाँ वाकिया होती रहती हैं, माशरे में तब्दीलियों के साथ साथ मकासद में भी तब्दीलियाँ वाकिया होती हैं, यानी कि जैसे जिस तरह नया दौर आता जाएगा, जैसे अब पहले का दौर और था, आज कंप्यूटर का दौर है, ठीक है, तो इस तरह आने वाले दौर का हमें नहीं पता कि कितना आगे जाएगा, तो यानी कि उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी, तो इसी तरह जिस तरह माशरा तब्दील होता रहता है, माशरे में तब्दीलियाँ रूनमा होती रहती हैं, इसी तरह से जो है मकासद जो है उनमें भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं और मकासद की तब्दीलियाँ मजामीन में तब्दीलियों का बाइस बनती हैं, यानी कि उसी से मुताबकत रखते हुए मजामीन जो हैं वो मुतारिफ करवाए जाते हैं, जिस तरह माशरे में तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, तो इस तरह से मजामीन भी तब्दील हो जाते हैं।
अब आज हमने किया है टॉपिक मकासिद तालीम, ठीक है, सॉरी मकासिद निसाब, यानी कि निसाब की किस तरह से तब्दीलियां ज़रूरी होती रहती हैं। तो अब बेटा थोड़े से मैं इसके एमसीक्यूज़ आपको करवा देती हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी तरह बन जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी, ठीक है। नंबर वन लिखें, माहिरीन तालीम ने निसाब के इज़ाई तरकीबी बयान किए हैं, कितने किए हैं? इज़ाई तरकीबी बेटा कितने किए हैं? चार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन राइट आ जाएगा चार। नंबर टू, तालीमी मकासिद का तोयन हुकूमत अपनी के जरिए करती है। किसके जरिए करती है? पॉलिसी के जरिए से, ठीक है। तो यहाँ पे कौमी पॉलिसियों कौमी पॉलिसियों, ठीक है, के जरिए करती है। नंबर तीन, एक सनती माशरे और ज़रई माशरे के मकासिद तालीम में वाज़िया होता है, क्या वाज़िया होता है? फ़र्क, यानी कि दोनों में, माशरती और ज़रई माशरे दोनों में के तालीम मकासिद में फ़र्क वाज़िया होता है। नंबर फोर, ज़रई माशरा का निसाब सनती माशरे के लिए होगा, क्या होगा? बेकार, ठीक है। और नंबर फाइव, तदरीसी मवाद की हैसियत है, हैसियत है, क्या है इसकी हैसियत? एक शहरा की, ठीक है। और नंबर सिक्स, तालीमी मकासिद को मद्देनजर रखते हुए, तालीमी मकासिद को मद्देनजर रखते हुए चुनाव किया जाता है, किसका चुनाव किया जाता है? यानी कि इंतखाब, चुनाव होता है चूज करना, इंतखाब करना, मजामीन या तजर्बात, ठीक है, इनका इंतखाब किया जाता है। फिर उसके बाद है वक्त गुजरने के साथ साथ
वक्त गुजरने के साथ साथ माशरे में वाक्या होती हैं, क्या वाक्या होती हैं, तब्दीलियाँ, यहाँ पे आ जाएगा तब्दीलियाँ, ठीक है। तो ये बेटा MCQs थे, रीडिंग हमारी पेज नंबर 47 और 48 पे हमने की है। फर्स्ट टॉपिक किया है हमने मकासिद निसाब, ठीक है, और इसके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बारे में समझा दिया है कि किस तरह से मकासिद तालीम जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, किस तरह से निसाब साजी की जाती है। और आज का लेक्चर बेटा आप लोगों का अब कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा, अपने आप को बचा के रखिएगा, अपने लेक्चर्स भी अटेंड करते रहिएगा, क्योंकि तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।